ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे. एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन एवरीवन? सभी लोग एक्साइटेड हैं. आज के सेशन के फाइनली एरर डिटेक्शन का सेशन आ चुका है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइल अपलोड कर रही हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे. क्वेश्चंस के हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे. ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे अपना कमांड बनाएंगे. एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ते हैं, रूल्स जो हम पढ़ते हैं, वो अप्लाई कैसे होते हैं. और पॉल करेंगे तो पता भी चलेगा किस बच्चे का कितना स्कोर आया है, क्या क्या स्कोर है, कितने कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं. चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. This is the file on your screen. Chali, the first question ye raha. I'll give you 45 to 50 seconds. Haan. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे. आपको बताना है विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है. चलिए सॉल्व इट एवरीवन. फिर मैं पॉल दूंगी आपको. आंसर्स यहाँ पे नहीं देने, आपको आंसर्स पॉल में ही देने हैं. तो डोंट आंसर हियर, यहाँ पे आंसर नहीं देना. पहले पढ़ लो, आंसर ले निकाल लो, एंड देन आई विल गिव यू द पॉल. चलिए, द टाइम इज अप. और ये बच्चों का सही निकला है. राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम द लगाते हैं. जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं लिख रही हूँ द पुअर, द पुअर का मतलब क्या है? कैन आई से द पुअर पीपल? अगर मैंने लिखा द रिच, द रिच का मतलब क्या हो गया? द रिच पीपल, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी पुअर पीपल हैं. अगर मैंने लिखा द ब्रेव का मतलब क्या हो गया? द ब्रेव पीपल. अगर मैंने लिखा द स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे हुए होना, तो द स्ट्रैंडेड का मतलब क्या हो गया? वो लोग जो फंसे हुए थे, द स्ट्रैंडेड पीपल. क्या ये बात समझ में आई कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ द लगता है तो वो पूरी की पूरी क्लास को शो करता है. इसका मतलब वो वर्ड कैसा होता है? इसका मतलब वो वर्ड प्लूरल होता है. अब ये जो वर्ड है ये प्लूरल है. प्लूरल है तो क्या वर्ब में एस और ई एस आता है प्लूरल के साथ कभी भी? नहीं. प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो वर्ब में कभी भी एस और ई एस नहीं आता. एकदम सही बोला. इसका मतलब यहाँ पे इंक्लूड्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? इंक्लूड आएगा. जो फंसे हुए लोग थे उसमें बिजनेस ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, जो टाइम में वापस नहीं आ पाए इस इमरजेंसी, इस महामारी की वजह से, जो लास्ट फ्लाइट्स अलाउड थी लैंड करने के लिए पैसेंजर्स, इनकमिंग पैसेंजर्स के साथ. वो कब थी लास्ट फ्लाइट्स? मार्च 22 को लास्ट फ्लाइट्स आई थी. तो आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम के अंदर ही अंदर, विद इन टाइम, 10 से 15 दिन. ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल वेंसडे को, 3rd of January को. इन टाइम का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, इस समय के अंदर ही अंदर. तो इन टाइम में कोई भी गलती नहीं है. लास्ट फ्लाइट्स का मतलब क्या है? बहुत सारी फ्लाइट्स थी जो आखिरी फ्लाइट्स थी. हर डेस्टिनेशन की आखिरी 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 फ्लाइट जो थी, तो बहुत सारी लास्ट फ्लाइट्स हो गई. तो लास्ट फ्लाइट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे.
द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. पॉल में आंसर दीजिए, यहां पे आंसर नहीं देना, यू हैव टू आंसर इन पॉल. वोकैबुलरी क्लास कल है बच्चे 9 से 12. चलिए, सो ये रहा लीडर बोर्ड. इंक्रीजिंगली दोज अपीलिंग टू बी, जो ऐसा लग रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू बी क्या. अब देखो, हमेशा याद रखना, जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जब भी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अगर वर्ब आती है तो टू डू दिस वर्क, टू डू. और जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, वेन एवर देयर इज पैसिव वॉइस, तो क्या आता है, टू प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. टू प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब टू डू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी डन. टू बी डन, तो कहने का जो अपीलिंग, जो रिक्वेस्ट थी, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको रिटर्न करना अलाउ कर दिया जाए, टू प्लस बीई है. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, टू प्लस बीई है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब क्या आएगा, अलाउड आएगा. To be allowed to return, उसमें कौन कौन था, professionals थे, laborers थे जिनकी job चली गई है इस global lockdown के impact की वजह से. तो answer क्या हो गया, the right answer is option number B. हाँ, अगर active होता तो to allow होता. अगला question आपकी screen पे ये रहा. हाँ, लॉकडाउन्स बहुत अलग अलग जगह, बहुत अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज में लॉकडाउन्स हुए हैं, तो सारे लॉकडाउन को मिला के क्या बोलेंगे, लॉकडाउन्स. चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का सही हुआ ये वाला क्वेश्चन भी. देखिए, क्या मैं कह सकती हूँ मंथ्स एक नाउन है, मंथ्स एक नाउन है, ये बात क्लियर है. नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव है. नाउन के बारे में जो वर्ड हमें बताता है वो एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव के बारे में जो हमें वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है. एडजेक्टिव के बारे में जो हमें वर्ब बताता है वो एडवर्ब होता है. अब एडवर्ब नियर तो नहीं होता, नियर का एडवर्ब क्या होता है, नियरली होता है. नियर का एडवर्ब क्या होता है, नियरली. तो आफ्टर नियरली दो मंथ्स, टू मंथ्स के बाद, लगभग दो महीने के बाद, स्टैंडर्ड इंडियंस जो फंसे हुए इंडियंस हैं पूरी दुनिया में, वो अपनी जर्नी शुरू करेंगे होम, विल बिगिन देयर जर्नी होम. क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे टू होम नहीं आएगा, क्योंकि जो होम होता है वो एडवर्ब होता है. यहाँ पे विल बिगिन देयर जर्नी होम कोई भी गलती नहीं है, ये एकदम सही है. क्यों, क्योंकि होम यहाँ पे एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है. अगर ये नाउन होता तब टू होम आता, अगर ये नाउन होता तब ये टू होम आता, और जब यहाँ पे होम नाउन का रोल प्ले करता, यहाँ पे होम किसका रोल प्ले कर रहा है, एडवर्ब का. इसका मतलब ये एकदम सही है. क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है, जो एरोप्लेन्स हैं, जो नेवल शिप्स हैं गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट प्लान में, वो सब 15,000 नेशनल्स को 13 कंट्री से वापस लेके आएंगे. एरर किस पार्ट में है, एरर इज इन ए पार्ट, ए पार्ट में एरर है. चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टैंडर्ड के पहले द क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव ही है, यहाँ पे नाउन थोड़ी ना है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है. जब एडजेक्टिव नाउन का रोल प्ले करता है तब उससे पहले द लगाते हैं. समझ में आ रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है.
मैं आपको रोज द हिंदू एडिटोरियल में पार्ट ऑफ स्पीच क्यों करवाती हूँ, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो, फिलर्स हो, एरर डिटेक्शन हो, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन हो, सब पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंडेंट है, सब पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंडेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए वंडरफुल, बहुत सारे बच्चों का सही निकला। वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनके यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स जो हैं बंद हो गए हैं। शट की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, शट शट शट। पुट की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, पुट पुट पुट। तो ये फॉर्म्स चेंज नहीं होती, ये फॉर्म्स एकदम सेम रहती है, पुट पुट पुट। क्विट की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, क्विट क्विट क्विट। कट की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, कट कट कट। ये वाला एग्जाम क्वेश्चन तो कितनी बार आया एग्जाम्स में, ब्रॉडकास्ट। बहुत सारे बच्चों को लगता है ब्रॉडकास्ट की दोनों फॉर्म्स ब्रॉडकास्टेड ब्रॉडकास्टेड होती हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट 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 तीनों फॉर्म्स हमेशा सेम होती हैं, कोई भी चेंज नहीं होता। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स हु यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैव शट डाउन। शटेड डाउन नहीं आएगा, शट डाउन आएगा। इसका मतलब विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैम यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, क्या मैं कह सकती हूँ ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड नाउन है, इट इज अ कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, चलिए ट्राई। आंसर इन पॉल, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स मत कीजिए। ओके, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। क्या मैं कह सकती हूँ बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टी और टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन 2010 एंड 2014, फ्रॉम 2010 टू 2014। ये जो एरर है ना, कल के पेपर में भी सेम टू सेम ऐसी आई थी। कल के पेपर में द हिंदू एडिटोरियल जब हमने पढ़ा था, पेपर में भी ऑथर ने भी बिल्कुल यही लिखा था, बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन 5 लाख एंड 10 लाख। क्यों? क्योंकि बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टी और टू लगता है। इसका मतलब विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। एप्लीकेंट्स कितने हैं, इतने हैं। एम्बेसीज एंड मिशंस को अपना जो टास्क है कट आउट करना पड़ेगा, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, अपना टास्क बहुत अच्छे से प्लान करना होगा और लिस्ट बनानी होगी जिसमें बताना होगा कि कौन लोग पहले आएंगे, कौन लोग बाद में आएंगे। So, क्या हो जाएगा, ए पार्ट हैज एन एरर। हाँ, बिटवीन की जगह फ्रॉम भी कर सकते हो या फिर आप टू की जगह एंड भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें ठीक है, दोनों ही चीजें ठीक है। ये हमने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ा है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में भी हमने ये चीज पढ़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सॉल्व इट।
बहुत कम बच्चों का सही निकला ये वाला क्वेश्चन। चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। वैसे जिन बच्चों के अभी तक 6 out of 6 आ रहे थे, मतलब 5 out of 5 आ रहे थे, और उनका एक गलत हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा। मतलब आई कैन सी बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स थे अभी तक, एक ये वाला गलत हो गया तो रैंक ड्रास्टिकली नीचे चली गई। चलो इस क्वेश्चन को देखो। द मैमोथ एक्सरसाइज, मैमोथ का मीनिंग क्या होता है? बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया वंदे भारत मिशन, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने करवाई। इज एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हफ्तों चलेगी। गिवन द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है एम्बेसीज में इन दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज में 120 रूल्स को याद कर लो। ग्रामर तो एरर डिटेक्शन तो पूरा उसी से आता है, हर पेपर में वहीं से आता है, हर क्वेश्चन वहीं से होता है, याद करो। द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के आगे कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। द नंबर ऑफ अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब क्या होती है? भी वर्ब सिंगुलर होती है। अ नंबर ऑफ होता है तो वर्ब कैसी होती है? वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50 लिखूं या आर 50 लिखूं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50। एक पर्टिकुलर डिजिट की बात कर रहे हैं, क्या आएगा? इज आएगा। और अगर मैं लिखूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द क्लास, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द क्लास, क्या ना इसे आर आएगा? बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, एकदम सही बोला, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास। सो द नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लार्ज या आर वेरी लार्ज, बताओ। द नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लार्ज या आर वेरी लार्ज? द नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लार्ज या आर वेरी लार्ज, क्या ना इसे इज आएगा? द नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लार्ज। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगा कि मैम यहाँ पर हैव की जगह ना हैज कर दो। बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे हैव की जगह हैज कर दो। अब मुझे बताओ, ये रजिस्टर नंबर ने किया है या लोगों ने किया है? ये जो रजिस्टर वर्ब है, हैव रजिस्टर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट ये नंबर है या ये पीपल है? लोगों ने रजिस्टर किया है ना, ये तो लोगों के लिए है। नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है, तो नंबर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत डीप क्वेश्चन था, बहुत गहरा क्वेश्चन था। हाँ, 4 weeks, हफ्तों तक चलेगी, समझ आया? चलिए, तो अब ये क्लासेस ना मैं रेगुलरली लेने वाली हूँ, यहीं पे स्पेशल क्लासेस में ही ये क्लासेस रेगुलर होंगी। तो आपको क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम प्रॉब्लम होती है, एप्लीकेशन नहीं हो पाता, रूल्स समझ तो जाते हैं जब आप क्लास में पढ़ाती हो, लेकिन उनको अप्लाई नहीं कर पाते। तो एरर डिटेक्शन में आप एकदम चैंपियंस बन जाएंगे इन क्लासेस के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लो। नहीं, द हिंदू तो रेगुलरली होगा ही होगा डेफिनेटली। साढ़े 3 बजे द हिंदू। इस सेंटेंस में तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि आप लोग गलत दोगे आंसर। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रामर की क्लासेस में आते हैं या जिन्होंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखे हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं गलत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आप लोगों से कि आप लोग गलत आंसर दोगे इस वाले क्वेश्चन का। ओनली वाला एग्जाम्पल याद है? कितने बच्चों को ओनली वाला एग्जाम्पल याद है? ओनली शी सॉ माई ड्रेस, ओनली शी सॉ माई ड्रेस, शी ओनली सॉ माई ड्रेस, आई लव यू टू वाला एग्जाम्पल याद होगा, आई लव यू और आई टू लव यू, याद है वाले एग्जाम्पल्स? शी सॉ ओनली माई ड्रेस,
तो ओनली जो एडवर्ब है क्या करता है, जिसके बगल में लिखा होता है ना उसी के बारे में बताता है। ओनली जो वर्ड होता है जिसके बगल में लिखा होता है उसी के बारे में बताता है। अब बताओ ओनली ओपन होगा या ओनली इंडियंस के लिए ओपन होगा, केवल खुला होगा या फिर केवल इंडियंस के लिए ओपन होगा? कहना इसे केवल इंडियंस के लिए ओपन होंगी वो फ्लाइट्स। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, केवल और केवल इंडियंस के लिए ओपन होंगी वो फ्लाइट्स। तो कहना इसे यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनल्स आएगा, ओनली इंडियन नेशनल्स आएगा। एरर किस पार्ट में है, एरर इज इन डी पार्ट, डी पार्ट में एरर है। एक बार पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होम मिनिस्ट्री ने रिलीज किए, जिन लोगों का बहुत कंपेलिंग, बहुत ज्यादा सीरियस रीजन है वापस आने का, जिनके वीजा खत्म हो गए हैं, जिनको कंट्री से बाहर निकाला जा रहा है, जो जिनकी फैमिली इमरजेंसी है, मेडिकल इशू है, जिनका घर जा चुका है, उन्हीं को हम वापस आने के लिए अलाउ करेंगे, और वो भी केवल इंडियन नेशनल्स को, वो भी केवल इंडियन नेशनल्स को, विच इज ओपन ओनली टू इंडियन नेशनल्स एट प्रेजेंट। ओनली बच्चे जिस वर्ड के बगल में लगता है ना उसके बारे में बताता है। ओनली शी मतलब केवल उसने मेरी ड्रेस देखी, ओनली सॉ का मतलब क्या है, केवल देखी उसने ड्रेस, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ओनली माय का मतलब क्या है, केवल मेरी ड्रेस देखी, ना राम की ड्रेस देखी ना श्याम की ड्रेस देखी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत सारे बच्चे फंस गए इस गूगली क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे फंस गए। आलोक के अभी तक 8 out of 8 मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया आलोक। ऑल दोस रिटर्निंग, जितने भी लोग वापस आ रहे हैं उनको बेयर करनी पड़ेगी कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ेगी, ट्रैवल अरेंजमेंट्स की एंड अकोमोडेशन की। क्या गलती थी भाई इस बेचारे सेंटेंस की जो आप सभी ने इसको गलत ठहरा दिया? क्या गलती थी इस सेंटेंस की कि आप सभी ने इसको गलत ठहरा दिया? एकदम साफ इनोसेंट सा क्वेश्चन था, सिर्फ एकदम इनोसेंट सा क्वेश्चन था। कॉस्ट यहाँ पे क्या है बच्चे, इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन, नाउन है। इनोसेंट सा क्वेश्चन था, बट आपने भी जमाने की तरह इसमें गलतियां निकाल दी, अलग अलग चीजों में गलतियां निकाल दी। किसी ने ए में गलती निकाल दी, किसी ने बी में निकाल दी, किसी ने सी में निकाल दी। फॉर ट्रेवल अरेंजमेंट्स के लिए, अकोमोडेशंस के लिए, अकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए, जगह रहने के लिए। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, रहने की जगह। ट्रैवल अरेंजमेंट्स जो फ्लाइट का खर्चा वगैरह है वो सब। जमाना जालिम है, ये तो सही बोला आप लोगों ने एकदम, जमाना बहुत जालिम है। चलिए अगले, कॉस्ट फॉर, बच्चे कॉस्ट ऑफ भी सही है, कॉस्ट फॉर भी सही। कॉस्ट ऑफ का मतलब क्या है, ट्रैवल अरेंजमेंट की कॉस्ट। कॉस्ट फॉर का मतलब क्या है, ट्रैवल अरेंजमेंट्स के लिए, अकोमोडेशन के लिए जितना भी खर्चा आएगा उसके बारे में बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छे से पढ़ लो फिर आंसर बताना। अकोमोडेशंस नहीं, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, रहना। जिस बच्चे को नया बैच ज्वाइन करना है वो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले 12 या 24 महीने का, और इस कोड को यूज कर लो NBLIFE 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए पॉल दे दूं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि बहुत सारे बच्चे सही आंसर देंगे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना।
कुछ बच्चों का तो ऐसा हुआ होगा, उन्होंने गलती कोई और ढूंढी होगी और गलती से सही हो गई होगी, जबकि गलती कुछ और थी। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने गलती कुछ और ढूंढ के आंसर सही मार्क कर दिया होगा जबकि गलती कुछ और होगी। चलिए देखते हैं। डिस्पाइट दिस, इस सब के बावजूद रिटर्नीज बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी मदद की है। इंडियन डिप्लोमेट्स जिन्होंने मदद की है। बेयर इन्फिनिटिव वाला कॉन्सेप्ट याद है, अभी हम पढ़ेंगे भी सुबह 9 बजे वाले बैच में। बेयर इन्फिनिटिव क्या कहता है? बेयर इन्फिनिटिव कहता है कि कुछ शब्द होते हैं हमारे हेल्प जैसे, लेट जैसे, जब इनके बाद वर्ब आती है ना वो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टीओ टू कभी भी नहीं आता। हाँ, मेक हो गया, बिड हो गया, इनके साथ जब भी वर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली आती है, कभी भी टीओ टू नहीं आता, डायरेक्ट वी वन आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने सुबह के 9 बजे वाले बैच में। अभी मैं आपको, अभी हमने टेंसेस कंप्लीट किया है आज, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नाउन्स प्रोनाउन्स और फिर वर्ब, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। तो कहने से यहाँ पे हेल्प के बाद टू नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम एफर्ट्स नहीं होगा, एफर्ट होगा इसीलिए बी आंसर होगा। मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख रही थी, बोल रहे थे मैम एफर्ट्स नहीं होगा, एफर्ट होगा और इसकी वजह से बी आंसर होगा। कुछ भी हो, अंत भला तो सब भला, आंसर तो सही निकल गया उनका। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा हुआ है? हाँ, इंडियन डिप्लोमेट्स जिनको हेल्प कर रही है, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया है, उनको खाना दिया है, शेल्टर दिया है, एयरलाइन और नेवल क्रूज को भी दिया है जो ये सारे ऑपरेशंस करेंगे इन्फेक्शन के रिस्क के बावजूद भी। तो विच पार्ट हैज एन एरर? बी पार्ट में एरर है। शेल्टर बच्चे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आसरा दिया है जिसको। चलो, ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूं, लेट him to do the work, बताओ इस sentence में गलती क्या है? Make him या I made him to do the work, इन सारे sentences में गलती क्या है? To नहीं आता, direct verb आएगी, direct V1 आएगा। और इस V1 को हम किस नाम से जानते हैं? इस V1 को हम नाम से जानते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं? आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके SBI PO में प्री में भी मिलेंगे और मेंस में भी मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। I'll help you do the work, बच्चे। बच्चे, new batch सुबह 9 बजे, morning 9 AM। चलिए बढ़िया। अब ये शब्द ना बहुत परेशान करता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत बार परेशान करता है। दो तीन शब्द होते हैं, ले, लाई और लाई। इस ले का मतलब होता है लेटना, इस लाई का मतलब होता है लिटाना और इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लुक एट देयर फॉर्म्स, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखते हैं। इस लाई की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, सेकंड फॉर्म लाइड होती है, थर्ड फॉर्म भी लाइड होती है। लाइड मींस टू स्पीक समथिंग व्हिच इज अनट्रू, कोई ऐसी चीज बोलना जो एकदम अनट्रू है। ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड होती है, लेड होती है, ले, लेड, लेड। इसका मीनिंग किसी चीज को कैरी आउट करना भी होता है, किसी चीज को रखना होता है, किसी चीज को किसी के सामने रखना होता है। लाई की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है, अच्छा हमने शायद ऑपोजिट कर दिया, जस्ट अ सेकंड, ये इधर आएगा। ले का मतलब होता है
लिटाना, ऑपोजिट कर दिया हमने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हाँ। और लाई का मतलब होता है लेटना। हाँ जी, तो इस ले की फॉर्म्स क्या होती है, लेड और लेट। इस लाई की फॉर्म्स क्या होती है, लाई की फॉर्म्स क्या होती है, लाई की फॉर्म्स होती है ले और लेन। क्या होती है, एल ए वाई, ले और ले। अब गवर्नमेंट ने ले किए हैं कुछ कंडीशंस, गवर्नमेंट ने ले किया है मतलब एक्शन किसी और ने किया है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, कहने से लेड आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या आएगी, कहने से लेड आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लेड डाउन, गवर्नमेंट ने ले डाउन किए हैं बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशंस, जिसमें क्या है कि उनको कम से कम 14 दिन का तो क्वारंटीन ऑब्जर्व करना ही करना पड़ेगा। सो विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट। इसको एक बार कॉपी कर, इसको लिख लो अपनी नोटबुक से, बना लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड्स क्यों नहीं आएगा बच्चे, इंक्लूड्स नहीं आएगा, कंडीशंस है, प्लूरल है, इट इज प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा, प्लूरल है तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा। अच्छा, एक्सटेंसिव बैच में बना लेता, ये मैंने अपने बैच में भी पढ़ाया था, राइट, एक्सटेंसिव बैच जो सुबह 6:30 बजे क्लास होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Only 28% students have given the right answer. Okay, the efforts required by unsung. Unsung का meaning क्या होता है, जिनको appreciate नहीं किया गया, those who are not appreciated. The efforts required by unsung diplomats and officials have been made all the more difficult, उनको और ज़्यादा difficult बना दिया गया है by India's stringent lockdown, India के strict lockdown की वजह से, and government का decision not to allow, is its का मतलब क्या होता है, it is, ये जो its होता है इसका मतलब क्या होता है, it is an adjective, what does this its mean? एडजेक्टिव, तो यहाँ पे कौन सा वाला इट्स आएगा, इट्स ओन, उसके खुद के नेशनल्स, उनके, ठीक है, इज इट ओके नाउ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, इसमें जो एरर है ना, वो कल के पेपर में भी आई थी, वो एरर, इस क्वेश्चन में जो एरर है वो कल के पेपर में भी आई थी, इट वॉज द सेम। हाँ, तो आपको बताना है, आपको अब ऑथर की एरर बतानी है, द हिंदू एडिटोरियल के ऑथर की आपको एरर बतानी है। अच्छा, ऑल द मोर ना एक फ्रेज होता है, ये ग्रामर नहीं होती, इट इज अ फ्रेज, ऑल द मोर, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स द हिंदू के ऑथर की एरर बता पाते हैं हमें। नोवेल का मीनिंग होता है न्यू, समझ में आया, 120 रूल्स का ही रूल है, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता,
बोथ के साथ वी डू नॉट यूज एज वेल एज. बोथ के साथ हम क्या यूज करते हैं? बोथ के साथ हम एंड यूज करते हैं. वी यूज एंड विद बोथ. एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? बोथ के साथ कभी भी नॉट भी नहीं आता. बोथ के साथ कभी भी नॉट भी नहीं आता. बोथ के साथ हमें नॉट लगाना होता है तो हम क्या लगाते हैं? वी यूज नीदर. तो बोथ के साथ कभी भी नॉट भी नहीं आता और बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज भी नहीं आता. बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है. तो इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा दूसरी इस कोरोना वायरस की वेव के लिए और साथ की साथ यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा. क्या आएगा? एंड अ रैपिड इंक्रीज. 120 रूल्स ऐसा लग रहा है एकदम पेनेशिया है एरर का. 120 रूल्स एकदम पेनेशिया है एरर का. सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं. कोई भी एग्जाम हो, एज वेल एज अ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स नीडिंग टू रिटर्न, जो वापस चाहते हैं आना. नीडिंग टू रिटर्न एकदम से, जो वापस चाह रहे हैं आना. नीडिंग का मतलब क्या है? जो वापस चाह रहे हैं आना. 120 रूल्स बच्चे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश कितने विषय बंसल पे. आई थिंक अब तो हजारों बार शेयर हो गया होगा इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. लाखों बार चलिए राइट. इट इज नेसेसरी, जरूरी है कि क्वारंटीन फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए, मेकशिफ्ट सेंटर्स बनाए जाए. किस चीज के लिए? डील करने के लिए. जो बहुत सारे लोग आने वाले हैं उनके साथ डील करने के लिए क्या आ जाएगा? टू डील विद द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हु मे नीड टू रिटर्न, जिनको वापस आने की जरूरत है. और लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल भी नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आएगा. लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है जो वापस आ रहे हैं. तो विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है. मेकशिफ्ट यहाँ पे क्या है बच्चे? मेकशिफ्ट यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है. मेकशिफ्ट सेंटर्स. टेल मी योर स्कोर्स आउट ऑफ 15. सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर बताएंगे आउट ऑफ 15, क्या क्या स्कोर रहा. 7, 5, 13, 10, 11, 4, 5, 7, 8. चलिए वंडरफुल स्कोर्स एवरीवन. अब एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन भी कर लीजिएगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है, बहुत सारे बच्चे वोकैबुलरी को लेकर परेशान होते हैं और वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भी. आपको पता है 20 घंटे का फ्री कोर्स है अनअकैडमी पर वोकैबुलरी का जो मैंने स्टार्ट किया है. 28 आवर्स का कंप्लीट वोकैबुलरी का कोर्स, जिसकी क्लास कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहली 3 क्लासेस होंगी. कल महासेशन, कल ये शुरुआत होगी इस कोर्स की. तो कल सुबह 9 बजे इसका महासेशन है, राइट. अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, अब 3:30 बजे हम द हिंदू सेशन में मिलेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. ये सेशन किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन. 3:30 बजे होगा, फ्री क्लासेस सभी बच्चों के लिए. एरर रिडक्शन की क्लासेस अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ रेगुलरली. टाइमिंग्स क्या रहेंगे? 1 बजे, 1 PM यहाँ पे हम एरर रिडक्शन की क्लासेस लेंगे, जिससे कि आपका एरर रिडक्शन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस सभी स्टूडेंट्स को आ जाए. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये तो बात हुई फ्री क्लासेस की. जितने बच्चे अभी तक प्लस पर नहीं है, जो मेरे बैचेस में नहीं आ रहे हैं, मेरी क्लासेस सुबह 6:30 बजे 9 बजे होती है.
इतनी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इन क्लासेस में रेगुलरली आते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत आसान लगने लग जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा इंग्लिश में, और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, कोई चीज आसान लगती है तो मार्क्स अच्छे आते ही आते हैं। 30 out of 30 एंड 35+ out of 40 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप क्लासेस में रेगुलरली आते हैं। जितने बच्चे प्लस पे हैं वो मेक श्योर करें कि एक भी क्लास इन दोनों में से मिस ना करें। ये दोनों क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, एक में प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे में हम अल्टरनेट डेज पे ग्रामर पढ़ते हैं। जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, गो अहेड टेक द सब्सक्रिप्शन। 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सबसे इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन जो है आपको 24 महीने का पड़ेगा, और इस कोड को अगर आप यूज करेंगे एनबी लाइफ, हाँ फ्रूगल भी होगा थ्रिफ्टी भी होगा, इस कोड को यूज करेंगे एनबी लाइफ तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कोड को नोट कर लीजिए एनबी लाइफ, 24 मंथ्स का लोगों को सबसे सस्ता पड़ेगा। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। नंबर क्या है? 9953592800। आप हमें व्हाट्सएप करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है। तो क्लासेस रेगुलरली हो रही है, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज अन अकेडमी प्लस पर है। मैथ्स के लिए आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रीजनिंग अंकुश लांबा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश आप मेरी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए कपिल कातपाल सर हैं। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज एक ही जगह हैं सारे के सारे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ले लीजिए, एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। इस कोड को नोट डाउन कर लो, NB Life कोड को नोट डाउन कर लीजिए। इस कोड को आप अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, टीम UBL के बारे में मैंने आपको बताया। हाँ जी, ये क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। संडे को अब अगली हमारी एरर रिडक्शन की क्लास होगी 1 बजे। हमारी अगली एरर रिडक्शन की क्लास 1 बजे होगी संडे को। आपको कोड यहाँ पे अप्लाई करना होगा NB Life और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए, हर क्लास के लास्ट में हम 3 सेंटेंसेस बोलेंगे, सभी लोग फुल एक्साइटमेंट, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ बोलेंगे। रेडी सभी लोग? 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माय ड्रीम जॉब। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। कल हमारी वोकैबुलरी की क्लास है बच्चे, वोकैबुलरी की 3 घंटे की क्लास है कल हमारी। अब हमारी 3:30 बजे दूसरी क्लास शुरू होगी द हिंदू की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है। बाय बाय एवरीवन।